अभी क्या राज है बिहार में, अन्य जगहों पर तो देश भर के देख ही रहे, लेकिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं यहाँ चार पांच अलग अलग जगहों पर खून नहीं होता हो, मर्डर, तबाही। और भ्रष्टाचार के विषय में ठीक ही कहा नेता विरोधी दल ने, ये कोई मतलब नहीं है लोगों के लिए, इतना ही लोग झूठ बोलता है। और अपने को कमजोरी दिखाता है। हम लोग बोलते थे देहात में, मुंह मोटे ही हैं तो लोढ़ा ही है, अरे चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा जैसे पीसने वाला मशीन है पत्थरों। तो आज हमारा बिहार बहुत पीछे है, बहुत लाखों लाख प्रवासी मजदूर बने हमारे लोग, और आज भी लाखों लोग निकल के जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। इस रोग में जो लौटने लगे लोग, तब मजदूरों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया, खाना पीना का इंतजाम किया। इससे कोई गारंटी नहीं है कि मजदूर जा रहा उसको काम देगा और भगाया सबको। बिहार में 10,000 नौकरी देने का जब पार्टी ने ऐलान किया तो इन लोगों ने कहा कि हम इतना देंगे, तो खोल तोड़ने लगा। बीजेपी के सब लोग ये सारे लोग फैलाने लगा कि हम मैंने कैसे तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति 10,000 से दिमाग हट के इनको वोट देने जाए। तो भाई तुमको वोट तो मिला है, चाहे जिस रूप से मिला है, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो वादा किया था वो तो करिए कम से कम। कितना देश भर में कितने हर इलाका में तबाही हुई है इन वर्षों में, तो हमें सजग रहना है और अपने संगठन को मजबूत करके संघर्ष के लिए हमेशा सब लोगों को खड़ा रहना है। बीमार हम है, तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची से रांची में खत्म हो जाते, जल्दी से उठा के लाया लोगों से, ट्रेन से उठा के लाया और यहाँ भर्ती एम्स में डॉक्टर राकेश यादव, इन चीजों में काफी एम्स में काफी सेवा किया, काफी इलाज किया वहां हमारा, और थोड़ा रह गया रोग है, थोड़ा थोड़ा है, इसे भी खत्म किया जाएगा। खाली खाने पीने पर परहेज है करना है, पानी से परहेज करना है, सब बोलते हैं पानी कम पियो सर। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना, पटना ही नहीं पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे।